मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर कसिया पिच मार्ग से ग्राम रजही मार्ग व ग्राम रजही वाया बुढ़िया माता मंदिर मार्ग पर 89 लाख की लागत से बनी 1300 मीटर इंटरलॉकिंग कार्य का लोकार्पण किया तथा बुढ़िया माता मंदिर में स्थित तालाब में जल संरक्षण के अंतर्गत जलकुंभी की सफाई कार्य में श्रमदान भी किया। इस मौके पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, विधायक विपिन सिंह, शीतल पांडे, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, डीएम के विजयन पांडियन, सीडीओ अनुज सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। इंटरलॉकिंग सड़क के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय गांव के छोटे छोटे बच्चों से बात की, अपने हाथों से उन्हें प्रसाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों तथा उनके अभिभावकों को शिक्षा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल भेजिए, ड्रेस, जूता, मोजा, कापी, किताब सब कुछ निःशुल्क मिलेगा। इसके बाद सीएम योगी बुढ़िया माई मंदिर पहुंचे और वहां विकास कार्यों का शिलान्यास किया तथा जल संरक्षण के लिए संदेश देते हुए स्वयं हाथों में कुदाल लेकर पोखरे की जलकुंभी को साफ किया और लोगों से कहा कि बारिश के पानी का संरक्षण कीजिए जिससे पानी की किल्लत से बचा जा सके। अरे बढ़िया हो गया। इधर ना जलवायु परिवर्तन विभाग इनके माता पिता कहाँ हैं बच्चों के? इन बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हो? कौन स्कूल में? कहाँ पे? उसमें मैं? ये दोनों जाते हैं? दोनों बच्चे नहीं हमारे। ये जाती है? अभी इसको कपड़ा नहीं मिला? कब एडमिशन कराया है? जाते मिला। भाई कपड़ा मिल जाएगा इसको, ठीक है ना? कपड़ा भी, जूता भी मिलेगा, ठीक है? इसको भेजना, इसको तो भी जाना रे, हैं? इसको नहीं, क्या नाम है तेरा? हैं? इसको जाएगा ना? कौन क्लास में पढ़ रहा है? हैं? प्राइमरी में पढ़ रहा है ना? स्कूल रोज जाता है? अभी कपड़ा नहीं मिला, आज छुट्टी है, लेकिन आज कपड़ा, अभी कपड़ा नहीं मिला तुम्हें, यूनिफॉर्म नहीं मिला है और जूता भी नहीं मिला।
स्कूल जाना मिलाएंगे ठीक है, सबको दिलाते हैं, सब लोग जाना है स्कूल, वो भी जाती है, ये जाती है। किनारे किनारे हो जाओ भैया, किनारे किनारे हो जाओ, किनारे दीपक भाई नाराजी सर, हाँ लाला भैया महाराज इधर दिखाइए, बिना भैया हेलो।